नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। आईपीएल 2020 की शुरुआत में अब कुछ घंटों का समय बचा है। ऐसे में फैंस अब बेसब्री से टूर्नामेंट के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। आईपीएल 2020 का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। इस मैच से पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि वो इस सीजन किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। दरअसल मुंबई इंडियंस के कप्तान ने साफ किया है कि वो आईपीएल सीजन 13 में टीम के लिए पारी का आगाज करेंगे। बता दें, पिछले कुछ सीजन में रोहित शर्मा को टॉप पर ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। अगर बात पिछले सीजन की करें तो रोहित ने पिछले सीजन 15 मैचों में 29 से कम की एवरेज में 405 रन बनाए थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट महज 128.57 का रहा था। ऐसे में रोहित शर्मा इस सीजन और धमाकेदार परफॉर्मेंस कर टीम मैनेजमेंट और फैंस को तोहफा देना चाहेंगे। सीएसके से अपने मैच से पहले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा कि वो इस सीजन मुंबई के लिए ओपनिंग करेंगे, लेकिन अगर टीम की कोई और जरूरत रही तो वो उसके लिए भी तैयार है। रोहित के अलावा दूसरे ओपनर के तौर पर टीम के पास तीन विकल्प हैं, क्विंटन डीकॉक, क्रिस लिन और सूर्य कुमार यादव। हालांकि अभी यह तय माना जा रहा है कि रोहित के साथ क्विंटन डीकॉक पारी का आगाज करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।